कानपुर के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। लखनऊ में जीका वायरस के 2 मामले मिले हैं। इसकी पुष्टि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रंत सिंह ने की है। दोनों मरीज अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन क्षेत्रों की जाँच शुरू कर दी है जहाँ से ये केस मिले हैं। लखनऊ में जीका के केस मिलने से स्वास्थ्य अधिकारियों में खलबली मच गई है। जीका का पहला मामला लखनऊ के हुसैनगंज के फूलबाग निवासी पुरुष में मिला है, जबकि दूसरा मामला कृष्णा नगर में मिला है, जहां 24 साल की महिला में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। डिप्टी CMO डॉक्टर मिलिंद वर्धन के अनुसार महिला में अभी तक किसी तरह के लक्षण नहीं मिले हैं, जबकि दूसरा मरीज जाँच कराने दूसरे जनपद जा चुका है। लखनऊ में जीका वायरस के केस मिलने के बाद मरीज के घर और उनके आसपास के लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराई गई। मरीज के पड़ोस में अभी केस की पुष्टि नहीं हुई है। मरीज के परिवार के 4 सदस्यों के खून के नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए गए हैं। दोनों ही मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मिली है।